हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ फिर से एक और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना है नहीं, बस पीएनजी का खेल है सारा। सो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बातें काफ़ी हो चुकी हैं, अब सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको सिंपली कुछ इस टाइप से फ़ोटो क्लिक कराना होगा, अपने आप को थोड़ी हाइट पर रखना ताकि आप अपने लेग्स और हैंड्स की पोजिशन ऐसी रख सकें, और अपनी इमेज में से बैकग्राउंड को इरेज कर लेना, जो भी टेक्निक आप यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इरेज करने के लिए। और अब ड्रॉ टूल में जाके इस मॉडल पीएनजी को मैं सेव कर लूँगा, और अब बैकग्राउंड इमेज को पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना। इस बैकग्राउंड की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब ऐड फोटो में जाकर मैं यहाँ पर मॉडल पीएनजी को ले आता हूँ और सिंपली एडजस्ट कर देना जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अब मैं दोस्तों मॉडल पीएनजी की एडजस्टमेंट कर लूँगा। यहाँ से मैं इसकी हाइलाइट्स को इनक्रीज करके +26 कर दूँगा, सैचुरेशन को डिक्रीज कर दूँगा, क्योंकि दोस्तों हम वाटर में अपने कलर्स लूज़ कर लेते हैं, और टेम्परेचर को -52 कर दूँगा। अभी मैं इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर दोस्तों हम विंग्स को ऐड करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर विंग्स पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ, और सिंपली इनको एडजस्ट करके इनकी सही पोजीशन में इनको फिट कर दूंगा। और दोस्तों जो एक्स्ट्रा मेरे हैंड्स पर आ रहा है उसको भी मैं इसकी ओपेसिटी डिक्रीज करके इरेज कर लूँगा। ओपेसिटी दोस्तों डिक्रीज इसलिए की है क्योंकि हम देख पाएँ कि कौन सा पार्ट हमें इरेज करना है। अब लेयर्स में जाकर मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ, और इस वाली पीएनजी को भी इसकी सही पोजीशन पर एडजस्ट कर दूंगा। पहले दोस्तों मैं इरेजर में जाके इसको कंप्लीट रिस्टोर कर लेता हूं, और अब इसकी भी ओपेसिटी डिक्रीज करके जो एक्स्ट्रा मेरी बॉडी पर है उसको मैं इरेज कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको इतना एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पर वाटर स्प्लैश पीएनजीज ऐड करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। और अब सिंपली डन कर दूंगा, और फिर से ऐड फोटो में जाकर अब की बार दोस्तों इस फायर पीएनजी को 2 टाइम और इस फायर स्मोक पीएनजी को भी ऐड कर लेना। पहले मैं इस फायर स्मोक पीएनजी को वाटर सरफेस पर एडजस्ट करूँगा। हमें दोस्तों इस फायर स्मोक पीएनजी को अपने विंग्स के पीछे रखना होगा, इसलिए मैं इसकी ओपेसिटी डिक्रीज करके एक्स्ट्रा पार्ट जो विंग्स पर आ रहा है उसको मैं रेज कर लूँगा। और आप चाहें तो इस पीएनजी की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी हाइलाइट्स को इनक्रीज कर देता हूँ और शैडोज़ को भी। और अब इन फायर पीएनजी को एक एक करके अपने विंग्स पर ऐड कर लेता हूँ, और इस पीएनजी को फायर स्मोक पीएनजी से ऊपर रखने के लिए लेयर्स में जाके मूव अप कर देता हूँ और सिंपली एडजस्ट कर दूँगा। मैं दोस्तों इस फायर पीएनजी का जितना पार्ट मेरे फ्रंट विंग पर आ रहा है उसको भी मैं रेज कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे ये सिर्फ बैक साइड में रखना है। और इस पीएनजी की ओपेसिटी भी आप 80 के आसपास रखना, और इस पीएनजी की भी एडजस्टमेंट कर लेना। इसकी सैचुरेशन को मैं डिक्रीज कर लेता हूँ और हाईलाइट्स को भी। और इसी तरह अपने फ्रंट विंग पर नेक्स्ट फायर पीएनजी को ऐड कर लूँगा। और इस पीएनजी की भी एडजस्टमेंट कर लूँगा, और अब डन कर देता हूँ। और फिर से ऐड फोटो में जाकर अब की बार दोस्तों आपको ये दोनों पीएनजीज ऐड कर लेनी होंगी, और इस फायर स्प्लैश पीएनजी को तो वाटर सरफेस पर ही ऐड कर देना। और इस पीएनजी की आपको सैचुरेशन कम कर लेनी होगी, और लेयर में जाकर इसकी एक और कॉपी बना लेना,
और दूसरी जगह वाटर सरफेस पर ही ऐड कर देना इसको। और इस वाली पीएनजी को भी सिंपली एडजस्ट कर देना। इसको पहले मैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और इसके साइज़ को छोटा ही रखना। और इस पीएनजी का ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेना और इस पीएनजी की टू कॉपीज़ बना लेना और रैंडम ही कहीं पर भी ऐड कर देना। और फिर से ऐड फोटो में जाकर अब की बार दोस्तों ये बबल्स की पीएनजी है, इसको ऐड कर लेना टू टाइम्स और इन दोनों पीएनजीज को अपने फेस के पास एडजस्ट कर लेना। और अब प्लस आइकन पे क्लिक करके ऐड फोटो में जाकर मैं इन वाटर स्प्लैश पीएनजीज को ऐड कर लूँगा। आप दोस्तों चाहें तो इसी सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं, वरना रैंडम ही चारों में से कोई भी वाटर स्प्लैश पीएनजी को कहीं पर भी ऐड कर लेना मॉडल पीएनजी के चारों तरफ। पहले मैं इन दोनों पीएनजीज को वाटर सरफेस पर ऐड करूँगा और मैं दोस्तों इस पीएनजी को नीचे की तरफ से इरेज कर लूँगा क्योंकि वाटर डेंसिटी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और फिर से ऐड फोटो में जाकर मैं दूसरी तरह की वाटर स्प्लैश पीएनजी को यहाँ पर ले आता हूँ। और दोस्तों इन पीएनजीज को भी मॉडल पीएनजी के आसपास लगा देना जिस तरह मैं कर रहा हूँ, और जो आपको एक्स्ट्रा लगे उसको इरेज कर लेना। और इस नेक्स्ट पीएनजी को तो मैं कुछ इस तरह लगाऊंगा ताकि ये मेरे लेग्स पर फिट हो सके, आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरह। और फिर सिंपली डन कर दूंगा। और इसी तरह कुछ और वाटर स्प्लैश पीएनजीज को यहाँ पर ऐड कर लेना। और मैं इस फिशेस की पीएनजी को भी यहाँ पर ऐड कर लूँगा और अपने लेग्स की साइड में इस पीएनजी को एडजस्ट कर लूँगा। और इस पीएनजी की भी सैचुरेशन को डिक्रीज कर लेना और टेम्परेचर को भी, ताकि ऐसा लगे कि ये फिशेस भी पानी के ही अंदर हैं। और इस एडिटिंग को थोड़ा और ड्रामेटिक लुक देने के लिए मैं यहाँ पर इस रेन पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। इस पीएनजी को मैं सिर्फ वाटर सरफेस के ऊपर ही रखूँगा तो मैं नीचे का पार्ट इरेज कर देता हूँ। और इस रेन पीएनजी की एक और कॉपी बनाकर इसको भी वाटर सरफेस के ऊपर ही एडजस्ट कर लूँगा ताकि हमारी रेन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाए। और सिंपली डन कर दूँगा। और यहाँ पर मैं दोस्तों बैकग्राउंड इमेज को वापस से ऐड कर लूँगा और इसको रिसाइज करके इमेज जितना ही कर लूँगा। आप इसकी ओपेसिटी भी डिक्रीज करके देख सकते हैं ठीक फिट हुआ है कि नहीं। और इरेज में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना। और दोस्तों जो ये वाटर सरफेस की लाइन थी इसको रिस्टोर कर लेना ताकि ऐसा लगे कि हम भी पानी के नीचे ही हैं। दोस्तों बिना इस लाइन के लग ही नहीं सकता कि हम पानी के नीचे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे से इरेज कर लेता हूँ और सिंपली डन कर दूँगा। मैं दोस्तों यहाँ पर एक और वाटर स्प्लैश पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरी बॉडी के आगे भी थोड़े बबल्स आ जाएं। अब मैं ड्रॉ टूल में जाकर इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। इसकी कलर करेक्शन दोस्तों हम लाइटरूम में करेंगे। यहाँ से मैं लाइट्स में जाकर इसकी हाइलाइट्स को प्लस 15 कर लेता हूँ, शेडोज को डिक्रीज करके माइनस 11 कर दूंगा और इसमें वाइट्स काफ़ी ज़्यादा है तो उसको भी डिक्रीज कर लेता हूँ -20। और अब कलर में जाकर इसमें थोड़ा मैं टिंट अमाउंट ऐड करूँगा और इसकी सेचुरेशन को भी डिक्रीज कर लूँगा -8। अब मिक्स में जाकर
रेड कलर की सेचुरेशन को -11 कर दूंगा और ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करके +54, ऑरेंज कलर की ल्यूमिनेंस को +30 कर लूंगा और ग्रीन कलर की ल्यूमिनेंस को +59 कर देता हूँ। एक्वा कलर की ल्यूमिनेंस को डिक्रीज कर दूंगा और ब्लू कलर की ल्यूमिनेंस को -10। और अब इफेक्ट्स में जाकर इसमें मैं टेक्सचर अमाउंट ऐड करूंगा +11 और क्लैरिटी को भी ऐड करके +8 कर देता हूँ। और इसमें ग्रेन अमाउंट ऐड करके इसका साइज 0 कर दूंगा। और अब डिटेल्स में जाकर इसकी शार्पनेस को इंक्रीज कर लेता हूँ, नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज कर दूंगा। दोस्तों हमारी एडिटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।